I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. बात इतनी तला सेठ, उस साले ने मार के हमारे भजिए बना दिए। वो तो मैं देख ही रहा हूँ सालों, अपने आप को मर्द कहते हो तुम लोग, मर्द नहीं छक्के हो साले छक्के। नहीं, तुम्हारा मुंह इस गाड़ी में बैठने लायक नहीं है। पैदल आओ, अब जो कदम उठाऊंगा मैं खुद। ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ राय साहब, कि हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, पर अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी विजय के साथ कर देता और आपको विजय की हवा भी नहीं लगने देता। शेखर, पिछली दफा भी तुमने इतनी तारीफ की थी और अब भी कर रहे, तो मेरा ख्याल है बात करके देख लेते हैं। वो आता ही होगा, टाइम का बड़ा पंचुअल है। लो। नमस्ते सर। आओ विजय भाई, पिछली दफा इतनी जल्दी जाना पड़ा कि मुलाकात अधूरी रह गई। जी, पहले मुलाकात पूरी कर लें। जहां तक मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम बंबई के रहने वाले हो। जी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ ही? माता पिता नहीं है सर। आई एम सॉरी। फिर तुम्हारी ट्रेनिंग और यहाँ रहने सहने का खर्चा वगैरह? है एक नेक इंसान जिसने मुझे अपने स्वर्ग के पिता का सपना पूरा करने के लिए यहाँ भेजा है। दुनिया अभी अच्छे लोगों से बिल्कुल खाली नहीं हुई है। वैसे तुम्हारे पिताजी करते क्या थे? वो केमिकल इंजीनियर थे सर, डॉक्टर राज बहादुर वर्मा। व्हाट? अरे बेटे, बीजू का ख्याल रखना। डॉक्टर राज बहादुर वर्मा? यस सर। क्या आप उन्हें जानते थे? मगर उनका बेटा तो बोट एक्सीडेंट में। नहीं, मैं कश्ती उलटने के बाद डूब कर मर गया होता अगर वो फरिश्ता जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ मुझे बचा नहीं लेता। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी, देवलाली कॉन्वेंट में। देवलाली कॉन्वेंट में। राय साहब। बेटे, आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया। कैसा बोझ सर? तुम्हारे पिता की मौत से जो जख्म मेरे सीने पर लगा था आज वो भर गया। पीछे तुम ही मेरे स्वर्गवासी दोस्त और पार्टनर के बेटे हो। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिली। बेटे, मेरे पास तुम्हारी दो अमानत है। शेखर, विजय आज ही मेरे साथ हिंदुस्तान जाएगा। आज ही? पर इसकी ट्रेनिंग खत्म होने में तो एक महीना बाकी है। वो मैं नहीं जानता। और फिर ट्रेनिंग किस लिए? आप कौन सी इसने नौकरी करनी है? पर सर, मेरे पिता का एक सपना था जिसे पूरा करने के लिए मुझसे ज्यादा मेरे दोस्त ने तपस्या की है। अगर आप मुझे अपने साथ ले गए तो मेरी सारी मेहनत और मेरे दोस्त की तपस्या। बेटे, हम समझ गए। शेखर जी, विजय अब तुम्हारा सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, हमारी अमानत भी है। इसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी हाँ। बेटे विजय, तुम अपनी ट्रेनिंग खत्म होते ही सीधा हमारे पास हिंदुस्तान चले आना। जी। और हाँ, हम तुम्हारे उस नेक इंसान से जरूर मिलना चाहेंगे, हम जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूल सकते। और अपनी प्यारी बेटी रेनू को हम एक बहुत बड़ी सरप्राइज देंगे। जल्दी करो ना, और ये देखो कितनी धूल पड़ी है, ये एस्टे भी अभी तक साफ नहीं हुआ। रेनू। पापा। कैसी है मेरी गुड़िया? बिल्कुल वैसे जैसे आप छोड़ गए थे। सॉरी पापा, मैं आपको एयरपोर्ट लेने नहीं आ सकी क्योंकि मैं जरा आपके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। आप तो हमें भी किसी के स्वागत की तैयारी करनी है। किसके? हमने अपनी गुड़िया के लिए दूल्हा चुन लिया है। तब तो आपने मेरी ही पसंद का चुना होगा, क्योंकि हम अपनी बेटी की पसंद जानते हैं। अच्छा, तो क्या है आपकी बेटी की पसंद? बेटी, हमने तुम्हारे लिए ऐसा लड़का चुना है जो भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। आगे बढ़िए। फिर हमने सोचा कि हमारी बेटी अकेले घर में रही है, इसलिए वो भीड़ भड़कने वाले घर में जाना पसंद नहीं करेगी। करेक्ट? 100% करेक्ट। आगे? तो हमने ऐसा लड़का ढूंढ निकाला जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और जो विदेश में रहने के बावजूद अपनी सभ्यता को बिल्कुल नहीं भूला। 200% करेक्ट। पापा, आपकी और मेरी पसंद में कोई फर्क नहीं है। कैसे हो सकता है? जो बाप की पसंद वो बेटे की पसंद। करेक्ट? 100% करेक्ट। तब तो आप उसकी तस्वीर जरूर लाए होंगे। तस्वीर? बस यही मार खा गया, तस्वीर लानी भूल गया। कोई बात नहीं, मैं दिखाई देती हूँ आपको उसकी तस्वीर। तुम? हाँ पापा, आप अंदर तो चलिए।
मेरे स्वागत की तैयारी हो रही थी। जी? बाद में क्या किया है इसका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। मेरे राजू ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने आपकी बेटी के साथ कोई छल कपट या फरेब किया है तो वो मेरी नजरों से हमेशा के लिए गिर गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अमीना जी, इस दुनिया में कुछ लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा है, उनमें से तुम्हारा राजू भी एक है। नहीं। वो कमीना आए तो उसे कह देना कि अपनी बेईमानी का मुआवजा आकर मुझसे ले जाए आज ही। राजू। अम्मा, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? वो गाड़ी में रायसा भी थे ना? पूछता है कि क्या हुआ, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। आज तूने पैसे के लिए एक माँ की ममता और विश्वास को बेच डाला। देख देख ले इसे, देख ले और जाके ले अपने पैसे। अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा छोड़ दे मुझे और खबर छोड़ दे मुझे अम्मा का। आज तक ये सर जो सिर्फ खुदा के सामने झुका था, आज तेरी वजह से एक बंदे के सामने झुक गया। निकल जा, निकल जा। अम्मा मेरी बात तो सुनो। अम्मा, अम्मा पापा, तुम तो कैलाश के बारे में भी नहीं मानती थी। बेटी मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। राजेश के यहाँ क्यों लाए थे? बेटी, सांप को मारने के लिए मैंने नेवला पाला था। मुझे क्या मालूम था कि वो खुद सांप बन जाएगा। कैलाश की बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए मैं राजेश को लाया और उसने मुझसे इस काम के 12,80,000 रुपए मांगे थे। पापा, आप उसे राजेश को छुड़ाने के लिए दूसरा नाटक तो नहीं कर रहे ना? बेटी, तुम मेरा विश्वास नहीं कर रही हो ना, वो आता ही होगा। तुम ये बैग उसे खुद अपने हाथों से देकर देख लेना। सर, राजेश आ गया। उसे कहो हम आते हैं। ओके सर। लो, और ये बताओ कि मेरे पापा तुम्हें इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? बोलते क्यों नहीं? आपके पापा ने मुझे एक काम सौंपा था। कैसा काम? जब उन्होंने आपसे ये बैग मुझे देने के लिए कहा है तो काम भी बता दिया होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्योंकि पापा ने मुझे जो कुछ बताया उसे मेरे दिल में बांधा राजू। ये पैसा आपके साथ प्यार का नाटक करने की कीमत है। कीमत? सौदे बात? ये सच है कि मैं बाल मंदिर को बचाने के लिए वक्त पर रकम अदा नहीं कर सका, और ये भी सच है कि अगर आज पैसे जमा ना करवाए तो सेठ मोतीराम जी आश्रम के मालिक बन जाएंगे। जज साहब, आपसे और मोतीराम जी से ये मेरी प्रार्थना है कि उन यतीम बच्चों के ऊपर रहम खाएं। जज साहब, मुझे मिशनार से पूरी हमदर्दी है, पर 15 लाख में से सिर्फ 2,20,000 जमा किए गए हैं, 12,80,000 अभी बाकी हैं। मैं जिंदगी भर इंतजार तो नहीं कर सकता, और फिर यतीमों को पालने का ठेका मेरा तो नहीं है। एक बच्चे ने जो कभी खुद यतीम था, अपने यतीम भाइयों के लिए जी जान एक करके 2,20,000 रुपए जमा कराए। अगर थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेठ जी की पाई पाई चुका दी जाएगी।
मुझे अपने राजू पर भरोसा। मैं आपकी परेशानी और बच्चों के दुख को समझता हूँ मिस्टर नाथ, पर मेरे हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं। आपने जो पहले मोहलत मांगी थी वो आज खत्म हो जाएगी, इसलिए बाबा बाल मंदिर की जमीन और उसकी इमारत से आपको बेदखल करके सेठ मोतीराम को। जज साहब, अभी मोहलत खत्म होने में एक घंटा बाकी है, ये लीजिए, इसमें बाकी की रकम है, गिन लीजिए। राजू बेटे, भगवान के बाद मुझे तेरा ही सहारा है, तूने 300 बच्चों को तबाह होने से बचा लिया। जीतो। अपने आप को संभालो बाबा, इन पैसे वालों को और आता ही क्या है, कभी गरीबों के झोपड़े तोड़कर बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, तो कभी यतीम खानों को मिट्टी में मिलाकर अय्याशी के अड्डे बना लेते हैं। जज साहब, आपके ऊपर भी एक अदालत है, एक इंसाफ करने वाला है, जिसे लोग ईश्वर और अल्लाह के नाम से जानते हैं, ऐसे लोगों का इंसाफ वही करता है। एक बात बताओ बेटा, इतने रुपयों से भरा हुआ ये बैग तू कहाँ से लाया? बैग? वो बैग तो किसी की अमानत है बाबा, मैं उसे वापस करके आपको बाल मंदिर में मिलूंगा। सर वो राजेश आया था ये बैग देके, लेकिन वो फाटक के अंदर नहीं है। सर बात 12,80,000 रुपए की हुई थी, ये बैग उस सौदे का हिस्सा नहीं है, इसलिए लौटा रहा हूं। राजेश। बेटे अब तो बता दे तू इतने पैसे कहां से लाया था? बाबा आप ये क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए कि मुझे पता चलना चाहिए कि तूने कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी बैंक या तिजोरी को तो नहीं तोड़ा। मैं बताती हूँ कि इसने पैसे के लिए क्या तोड़ा है। अम्मा, इसने बैंक या तिजोरी से भी बड़ी चीज को तोड़ा है। अम्मा, एक मासूम लड़की के दिल को। आपके इस बाल मंदिर को बचाने के लिए इसने अपनी जिंदगी को बेच डाला है, अपनी खुशियों का गला घोट दिया। अम्मा तुम आगे कुछ नहीं बोलोगी तो मेरे। मुझे बोलने दे भैया, इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैं इसे गलत समझती रही, मैंने इसे मारा, धक्के दे के घर। बस अम्मा बस, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, पर तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलना होगा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अमीना तू बता रही थी कि इसने इतने पैसे कैसे। ओ अम्मा आखिरी बस भी निकल जाएगी, जल्दी चलो। अच्छा बाबा तेरो। अरे विजय तू राजू कैसा है यार? बाय लागू अम्मा। जीते रहो। कमाल का आदमी है यार, आने की खबर भी नहीं दी तूने। अरे खबर देकर आने में मजा ही क्या है, तुम लोग एयरपोर्ट पर आते, मुझे हार पहनाते और मैं एक नेता लगने लगता। आज कितना खुशी का दिन है यार, नाथ बाबा को दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया और यहाँ आया तो तुझे सामने पाया। अम्मा एक दुआ करोगी? हाँ। कि जैसे ये मेरा बड़ा भाई बनके मेरे लिए सब कुछ कर रहा है ना, अगले जन्म में मैं इसका बड़ा भाई बनूं। अच्छा विजय। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे विजय तुम, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तुम लंदन से कब आए? हाँ तो मैं कल ही गया था सर, पर अपने जिगरी के यहाँ रुक गया था। जिगरी? अच्छा वो तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में तुमने लंदन में जिक्र किया था। जी भाई उससे मिलना तो हमें भी है। जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन सर जब आप उससे मिलेंगे ना आपका दिल जीत लेगा। अच्छा तो फिर उसे किसी दिन घर ले आओ। जी चलो पहले तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखा दूं। आओ। ये मेरे। हाँ बेटे यही तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है और यही वो कुर्सी है जिस पर तुम्हारे पिताजी बैठा करते थे। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी और खुशी भी कि तुम्हारे पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद मैंने आज तक किसी और को इस कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। आओ बेटे इसे अब तुम संभालो। ये क्या सर,
आपकी आंखों में आंसू? हाँ बेटे, ये तो खुशी के आंसू हैं जो मैंने बरसों से संभाल कर रखे हुए थे। अब मरने के बाद मैं तुम्हारे पिताजी से आंख मिलाकर बात कर सकूंगा। एक्सक्यूज मी सर। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.